दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहा जाता है अगर आप समय के साथ नहीं चलते हो तो समय आपके साथ नहीं चलता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत से सिंगरों का बोलबम सॉन्ग आ रहा है, धमाधम आ रहा है। यहीं पे देखा जा रहा है कि पवन सिंह के पास शायद गाना नहीं है, इसीलिए वो अपना पुराना गाना रिलीज कर रहे हैं। अब बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह का एक गाना आया है आज लगभग 11-12 घंटे हो गए हैं पवन सिंह ऑफिशियल से, जिसका नाम है सावन, आयल सावन करके गाने का नाम है। तो बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह शायद इतने बिजी है अपने काम में, एक फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं नेपाल में जिसका नाम है सिंह इंस्पायर, उसमें इतने बिजी है कि सावन का गाना उनका नहीं आ रहा है शायद। और बोला जा रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे सावन में 2-1 गाने आएंगे, क्योंकि पवन सिंह इतने आलसी इंसान है कि वो काम करना नहीं चाहते हैं, टाइम से पहले सो जाना, किसी पे मेहनत नहीं करना, फोकस नहीं करना, और सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे अपने घर पे जो है पावर स्टार बन जाऊं और भोजपुरी का नंबर 1 हीरो बन जाऊं। तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। अब बता देना चाहता हूं, पिछले साल 11 महीने पहले एक गाना आया था पवन सिंह का, आप सबको पता होगा, ओम नमः शिवाय करके। उसी गाना को फिर से अपलोड किया गया है पवन सिंह ऑफिशियल से। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप जो है अपने दर्शक को जो है गुमराह ना करो। आप वही गाने का टाइटल बदल के आप गाना अपलोड कर रहे हो, यानी कि आपके पास जो है गाना रेडी है ही नहीं अभी तक। अब क्या करें, काम में बिजी हैं, अब क्या करेंगे, गाना शूट कैसे करें, गाना गाए कब, क्या करें। इतने में शायद इनका जो है पसीना छूट जाता है। वहीं पे देखा जाता है कि जब खेसारी लाल यादव का गाना आता है तो आज से शायद 15-20 दिन पहले खेसारी का गाना आ रहा है, और गाना इतना जल्दी जल्दी शूट करके गा के गाना अपलोड करके गाना सुपर हिट भी बना दिए। पूरा मार्केट में खेसारी भाई का कोको कोला सॉन्ग चल रहा है, नथुनिया सॉन्ग चल रहा है, लड़की वेरीफाइन सॉन्ग चल रहा है, लेकिन पवन सिंह का अभी तक एक गाना नहीं आया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पवन सिंह के फैन क्या बोलते हैं कि शेर की एंट्री सबसे लास्ट में होती है। तो बता देना चाहता हूँ, उसमें शेर की एंट्री लास्ट में नहीं होती है, उनके पास गाना ही नहीं है तो एंट्री कहाँ से करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है, और विजय चौहान बोल रहे हैं कि मेरा लिखा हुआ गाना आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, ऐसा वैसा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चोरी का ही गाना हुआ होगा, और चोरी का गाना ही आएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अपना गाना शायद नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार साड़ी से ताड़ी चुरा के गाए, तो उसी के लय पे शायद गाना ला दो तो 2-4 मिलियंस व्यूज चले जाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ में आपका जो कंपटीशन है शायद कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि खेसारी लाल यादव की इस साउंड में नंबर 1 गाना बज रहा है और बजेगा। मुझे लग रहा है कि जो कोको कोला संग है वो जो है कुछ नहीं तो 50 मिलियन व्यूज क्रॉस करेगा ये साउंड में। आप सबका क्या मानना है कि इस साउंड में सबसे ज्यादा गाना किसका बजेगा, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, खेसारे भाई का? कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाकी क्या कहना है, वीडियो को लाइक कर दो, चलते हैं।